दर्शकाः विदितमेव सर्वैः यत् अद्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य जन्मजयन्ती अस्ति। एतामेव जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य सकलः देशः तदीयां विविध प्रशस्त नीति समन्वितां अद्वितीयां वीरगाथां स्मरति। एतस्मिन्नेव प्रसंगे वयमपि शिवाजी जीवनोपलब्धि स्मारकं प्राक्तनं प्रतिवेदनं अस्मदीयं ससंस्कृतम् एव इह उपस्थापयामः। तावत् अवलोकयन्तु। ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे चकास्तिकान्त्या विजयी नृपः कलौ निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा शिवो हयग्रीव इवो जहारः। भारतस्य दिव्यसूनोः गाथाख्यापकः दिव्यसानुकृतश्लोकोऽयं ख्यापयति शिवाजी संसारितां सनातनीं दिव्यतां। येन रक्षितासीत् सप्तदश शताब्द्यां सनातनी तात्कालिकी च संस्कृतिः असौ प्रोच्यते सुनियोजित मन्त्रतोऽपि अधिकः इव एव स्वयं अभिमन्त्रितः महान् नृपतिः छत्रपतिः। असौ तात्कालिकः एकाधिपतिः सनातन धर्मं संरक्षितुं शस्त्र शास्त्र समन्वय पूर्वकं स्वयं छत्रत्वं चारोपयन् प्रकीर्तितो भूतः छत्रपति शिवाजी महाराज रूपेण। तेन तात्कालिक्याः प्राशासनिक भारसी भाषायाः प्रबलेऽपि प्रभावकाले संस्कृत विदुषा रघुनाथ हनुमन्ते इत्येतेन विनिर्मितः राजव्यवहारकोशः आसीत् स्वीये सकलेऽपि साम्राज्ये सुप्रयुक्तः सुप्रयोजितश्चापि। अतएव पंत प्रधान अमात्य सचिव मंत्री सेनापति सुमंत न्यायाधीश पंडितरावदानाध्यक्ष इत्येतानि आसन् संस्कृत प्रभावितानि नामानि फारसी भाषिक शब्दस्थाने तेन प्रचालितानि यानि अधुनापि मराठी भाषायां सन्ति प्रचलित प्रायाणि। प्रतिपश्चन्द्र लेखीव वरदर विष्णु विश्ववंदिता सहस्रनोह स्वेषा भद्राः मुद्राय राजते। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये संस्कृत भाषा में राजमुद्रा। उनके समय पूरे देश में प्रशासकीय कामकाज फारसी भाषा में हुआ करते थे। ये उनकी महानता का प्रतीक है कि उन्होंने फारसी शब्दों की जगह संस्कृत या संस्कृत मूल शब्दों का प्रयोग शुरू किया। वस्तुतः मुगल साम्राज्य आदिभिः रुद्धाम कथमिव रासोन्मुखाम सनातनीम अपि संस्कृतिम संरक्ष्य येन तत्पदं पुनर्गौरवं प्रतिप्रापितं तेन युद्धकलायां परम प्रवीणेन शिवाजिना एव शिक्षिताः सर्वे यत् प्रबले बिभत्सेप युद्धे सैन्यानां अल्पसंघत्यापि समन्वितदलं शक्नोति निरर्गलं परम प्रभावकं च विजयम् अवाप्तुम् एतत् समुद्घोषपूर्वकम्। त्वत्कण्ठकुण्ड सुसञ्चितं हालाहलं परमाद्भुतं वम तीक्ष्ण शस्त्राग्रेषु नो हर हर महादेव। सापेक्ष नीति समन्वितेन शिवाजीवर्येण तु सकलाततायि शक्ति विरुद्धं समग्र युद्धं विधातुं रहस्यक्रमिकं निगूढमपि युद्धं अद्भुतकूटनीति पुरस्सरं बहुधा सम्पादितम्। एतत् वार्ता